ओम नमः चंडिकाय। आज है नवरात्रि का छठवां दिन। ये मैंने बेटे का नाश्ता बना दिया, नहाकर छत पर फूल तोड़ने गई हूँ। सर कह रहे थे आज आया नहीं है अभी तक। आज मिला है जैसोन का फूल छठवें दिन। एक फूल है दुर्गा दुर्गा तिशमनी दुर्गा पद्मवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्ग साधनी दुर्ग नाशिनी दुर्ग तो धारिणी दुर्ग निहंती दुर्ग मापा दुर्गम ज्ञान दा दुर्ग दैत्य लोकदामला दुर्मा दुर्मा लोका दुर्मात्मा स्वरूपिणी दुर्मार्पदा दुर्गम विद्या दुर्माशिता दुर्गम ज्ञान संस्थान दुर्गम ध्यान भासिनी दुर्मोहा दुर्मगा दुर्मा स्वरूपिणी दुर्मा सुसनंती दुर्मा धारणी दुर्मांगी दुर्मदा दुर्गम्या दुर्मेश्वरी दुर्भीमा दुर्वामा दुर्वाद धारणी ओम श्री दुर्गात्मस्तु। मंदिर में देखिए जवारे कितने बड़े बड़े हो गए हैं। मैंने माँ भगवती की पूजा करी और जल चढ़ाया। ये देखिए देवी माँ की कितनी सुंदर प्रतिमा है। जवारे यहाँ भी बड़े बड़े हो गए हैं। देखिए माँ के सिंगार। घर आके मसालेदार पराठे से के मैंने मसाले वाला आटा बनाया था, माड़ा था, और साथ में ये अप्पे का भी मटेरियल रखा था, तो मैंने सूजी के बढ़िया अप्पे बनाए और ये बन गया है खाना। आलू गोभी टमाटर की रसीली सब्जी, शुद्ध घी की बिना लहसुन प्याज की, और टमाटर की चटनी, और चावल और रोटी। सिंपल खाना है पर गरम गरम खाना तो बिना लहसुन प्याज का भी बहुत अच्छा लगता है। और ये शाम की पूजा। शाम को जब मैं मंदिर में जाती हूँ तो भगवान जी के पहले फूल उतार लेती हूँ कि दिन भर में भगवान जी के फूल मुरझा जाते हैं, और अगर शाम को नहीं उतार पाती हूँ तो सोने से पहले तो उतार ही लेती हूँ। और शाम का हवन किया मैंने, देखिए शाम जल्दी होने लग गई है, अंधेरा जल्दी होने लग गया है। और ये देखिए मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रही हूँ, मेरे गुरुदेव हैं, हवन हो गया है। आज नारंगी साड़ी का दिन है, हम लोगों ने नारंगी साड़ी डिसाइड की। साड़ी पहनकर मैंने अपनी फ़ोटो और वीडियो क्लिक करवाए। आज हमारे यहाँ ऑरेंज ड्रेस कोड रखा गया है, तो मैं आज ऑरेंज साड़ी पहन के जा रही हूँ। आज आरती शुरू हो गई, कपड़े धोने में बहुत टाइम लग गया, आज फिर दो बाल्टी कपड़े धोए। और ये देखिए ये छोटी बच्ची फिर से मुझे मिल गई। मुझे इसको गोदी में लेके फ़ोटो क्लिक करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही शांत और प्यारी बच्ची है। और ये माँ भगवती देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं। और यहाँ फिर से मैं सबको क्लिप में ले रही थी। यहाँ पर सोनू भाभी बजा रही हैं ढोलक, और इन सब से मैंने कहा देखो जरा मैं वीडियो बना रही हूँ, तो साधना बोली बता दिया करो पहले से। और मैंने बोला इनको भी हाथ से हिलाओ अनीता भाभी को कि देखो मैं वीडियो बना रही हूँ। तो अनीता भाभी ने जहाँ मेरी तरफ देखा तो फिर उनने अपने फॉर्म में आके सिर पे पल्ला लेने वाली थी पर नहीं लिया। बहुत मज़ा आता है, पता है सब लोग गाना बजाना करते हैं और हमारा तो यही काम चलता है, सबकी वीडियो बनाना मस्ती करना। ये बिटिया रानी है ना, इसकी मम्मी वो बैठी सूट में, ये अभी जो आपने देखा था ये देवी माँ देखी कितनी सुंदर लग रही हैं। और ये मेरी फ़ोटो मोना ने क्लिक करी, और ये देखो ये मोना ने अचानक से मेरा वीडियो बना दिया बहुत अच्छा। आज फिर से हम लोगों का ड्रेस कोड था तो हम लोगों की फ़ोटो क्लिक हुई। और ये हम लोग इस बार कुछ ज़्यादा ही हम लोगों ने एंजॉय किया। ये मोना और प्रीति हैं, हम लोगों ने भी फ़ोटो की क्लिक कराई, मैं तो अपनी सेल्फी करवाती रहती हूँ। ये हम सब, और ये देखिए हम सब का, ये सुषमा भाभी निकली है ना सेकंड नंबर पर, ये इनका आइडिया रहता है। मैं मुझे तो ऐसे चलना आता नहीं है, पहली बार चली थी तो मैं तो बिल्कुल सीधे सीधे गई। और सभी नारंगी साड़ी में, कोई नारंगी कोई हार, ये रीता भाभी का हल्का सा पीला है। सभी अपने अपने मज़े से इंटरेस्ट से
जा रहे थे और यहाँ पर रीता भाभी सोनू भाभी को पंखा झल रही हैं पेपर से, क्योंकि सोनू भाभी को बहुत गर्मी लगती है और बच्चों ने ऐसा टेंट लगाया है कि ऊपर पंखा बंद कर दिया गया है। तो मैं मज़े ले रही थी कि देखो क्या सेवा हो रही है, सोनू भाभी को वैसे भी गर्मी लगती है, फिर जब आप ढोलक बजाते हैं तो गर्मी और ज़्यादा लगती, पसीना आता है। तो रीता भाभी सेवा कर रही थी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, एक दूसरे का सपोर्ट करें। धन्यवाद।